नए घर बनाने के लिए कुछ खास नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने पर आपको हानि हो सकती है। आइए जानें कि वास्तव में नए घर के निर्माण से संबंधित क्या बताया गया है। अगर आप नया घर बनवाना चाहते हैं तो शुभ माह को चुनें। वैशाख, श्रावण, कार्तिक, मार्गशीर्ष और फाल्गुन के महीने में घर बनाना बहुत शुभ है। माना जाता है कि इन महीनों में शुरू किए गए काम से स्वास्थ्य और धन मिलता है। नया घर बनाने का पहला चरण नींव खोदना होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस नींव पर धातु का एक सर्प और कलश रखना शुभ है। ये माना जाता है कि शेषनाग इससे इस भवन की रक्षा करते हैं। चांदी का नाग इस नींव पर रखे जाते हैं। वहीं कलश क्षीर सागर का प्रतीक है, जिसमें जल और दूध होता है। इसमें लक्ष्मी जी के रूप में एक सिक्का भी डाला जाता है। चौकोर और आयतकार घर वास्तु के अनुकूल है। आयतकार घरों की लंबाई चौड़ाई की दुगनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर प्लॉट वर्गाकार है तो पीछे की तरफ घर बनाना चाहिए। वहीं अगर आयतकार है तो उसमें घर केवल आगे बनाना चाहिए। मकान के पीछे एक पहाड़ी, बड़ा पेड़ या बड़ी इमारत होनी चाहिए। मकान के कोनों का भी विशेष महत्व है। 3 और 6 कोने वाले घर आयु के लिए खराब होते हैं। संतान को 5 कोनों वाला घर बहुत कष्ट देगा। 8 कोन वाला घर हमेशा बीमारी देगा। वास्तु के अनुसार पूजा करने के बाद ही नए घर में स्थानांतरित होना चाहिए। कुलदेव की पूजा करने के साथ साथ वास्तु पूजा भी करनी चाहिए। इससे देवता घर में रहते हैं और इस तरह और हर तरह का वास्तु दोष दूर होता है। वास्तु के अनुसार पूजा करने के बाद ही नए घर में स्थानांतरित होना चाहिए। कुलदेव की पूजा करने के साथ साथ वास्तु पूजा भी करनी चाहिए। इससे देवता घर में रहते हैं और हर तरह का वास्तु दोष दूर होता है।